पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, ये भी बड़ी खबर हम आपको इसी समय बता दें। हामिद अंसारी ने कहा है कि देश में असुरक्षा का माहौल है, एक समुदाय के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिकी संस्था के वर्चुअल कार्यक्रम में ये विवादित बयान दिया। इसमें कुछ अमेरिकी सांसद भी मौजूद थे। हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि संवैधानिक पद पर रह चुके शख्स की तरह से भारत की निंदा करना शर्मनाक है। हामिद अंसारी ऐसा पहली बार नहीं है कि विवादों में आए हैं, पहले भी उनके कई बयान पर विवाद हो चुका है। टुडे वी आर रेकन्ड टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड वी आर प्राउड टू बी सो। ऑलमोस्ट 20% of our people belong to religious minorities. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. तो ये तो गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिकी संस्था के वर्चुअल कार्यक्रम में जो बयान दिया पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने, वो आपने सुना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।